सारी पार्टियां। अब मजे की बात यह है कि इस वक्त हाई कोर्ट में कौन कौन गया, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम, जीडीए, नून लीग, ये सारी पार्टी मुत्तफिका तौर पर इत्तेहादी बनकर सिंध हाई कोर्ट में गए कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। पलटियाती जी, आप जहां खड़े हो जाएंगे आपसे पर्ची बनाने वाला आ जाता है, नहीं आ जाता? ऐसा ही है। ये पैसे केएमसी में क्यों नहीं जाता? एक प्राइवेट कंपनी एक पूरी रियासत के अंदर रियासत कैसे बन सकती है? दूसरी कंपनियां लाओ। ये इसलिए करते हैं कि इन्होंने पार्टियों को खरीदा हुआ है। ऐसा ही है। और इसमें बेईमान पार्टियां तो बेईमान पार्टियां, ईमानदार पार्टियों को भी खरीदा हुआ है। और जब भी क्राइसिस आता है लोड शेडिंग ये ब्लैकमेल करते हैं, लोड शेडिंग बढ़ा देते हैं, और खास तौर पर फिर बाज अच्छे इलाकों की लोड शेडिंग भी शुरू कर देते हैं ताकि यूएन क्राई हो। जब यूएन क्राई होता है तो फिर ये टार्जन बन के सामने आते हैं गवर्नमेंट के लोग, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, और एमकेएम तो सभी की इत्यादि होती है। पानी भी अगर मेयर नहीं देख सकता और कचरा भी नहीं देख सकता तो फिर उसको घर भेज दो। और ऑनरशिप थी तो मुशर्रफ से ले लिया ना भाई, तो बाकी लोग क्यों नहीं लेते? वो कोई कानून में नहीं था, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ये पैसे लेने। लेकिन जब आपके अंदर विल होती है ना तो आप लड़ते हैं और आप कहते हैं भाई दो हमें, हमारा हिस्सा है। हमारा आलमिया है कि जो मैंडेट लेता है वो पलट के नहीं देखता। सूबाई हुकूमत इससे लेने के लिए इस्तेमाल करती है देने के लिए, उसको अपना हिस्सा ही नहीं समझते। इनके माइंड सेट में, इन वडेरों के माइंड सेट में कराची सिर्फ लेने के लिए सूबा है। आप जाली डोमिसाइल नहीं बनाए, असली डोमिसाइल पे किसी सिंधी को दे दें, हमें तो कोई तकलीफ बहुत बने जाली डोमिसाइल तो। जाली तो हो क्या रहा है जाली डोमिसाइल के अलावा? तो मर्दमशुमारी हमारी तकरीबन 3 करोड़ तो है ही। ओह, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि सिंध की आबादी कम गिनी गई है, ये बात उसकी बिल्कुल सही है। सिंध की आबादी कम गिनी गई है, सिंध की आबादी 4 करोड़ 70 लाख गिनी गई, जो कि 4 करोड़ 70 लाख नहीं थी बल्कि 6 करोड़ थी उस वक्त, ठीक है। लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि सिंध में कराची की आबादी कम गिनी गई। ओ हो, क्योंकि इनका तो सारा काम विफाकी जमातें पूरा कर देती हैं। नून लीग ने भी ये काम किया और अब पीटीआई ने भी ये काम किया, और उस काम के लिए उन्होंने एक कानूनी तौर पर एक जुर्म किया, मैं उसको कहता हूं पर आरा